You're probably confused about WhatsApp Business API and WhatsApp Cloud API. दोनों में differences क्या क्या हैं? Features में क्या difference है? Pricing level पे कौन सा software better है? आपको कौन सा लेना चाहिए अपने business के लिए? Self-hosted का क्या मतलब होता है? And much more. आज की इस video में we are going to discuss all these questions. तो सबसे पहले, what is WhatsApp Business API and WhatsApp Cloud API? तो ये दोनों official versions हैं that WhatsApp provides for WhatsApp marketing. तो अगर आपको प्रमोशनल मैसेजेस भेजना है इन बल्क टू मल्टीपल प्रोस्पेक्ट्स एट वंस, या आपको चैटबॉट चलाना है फॉर ऑटोमेटिक रिप्लाइज, या आपको व्हाट्सएप ऑटोमेशन चलाना है बाय इंटीग्रेटिंग विद द सीआरएम सॉफ्टवेयर, या ग्रीटिंग वेरीफाइड होना है जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, लेंसकार्ट और सारे बिजनेसेस करते हैं, या आपको व्हाट्सएप से लीड जेन भी करना है, इन सब के लिए यू विल नीड अ व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई या व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ जब सारे फीचर्स सेम है तो दोनों व्हाट्सएप के ऑफिशियल वर्जन हैं तो डिफरेंसेस क्या क्या हैं? Watch the video to find that out. और end तक देखिएगा, because by the end you will know for sure कि आपको अपने business के लिए business API लेना चाहिए या WhatsApp Cloud API लेना चाहिए। Let's start. Hosting. जो सबसे बड़ा difference है वो ये है कि WhatsApp Cloud API Meta के servers पर hosted होता है, इसलिए हम उसको Cloud API बोलते हैं या Cloud Based Hosting बोलते हैं। On the other hand, WhatsApp Business API is hosted on third party platforms, जिनको हम BSPs बोलते हैं। तो ये BSPs WhatsApp के ऑफिशियल पार्टनर्स होते हैं जिनके थ्रू आपको WhatsApp बिजनेस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको WhatsApp बिजनेस API नहीं मिलेगा। दीज आर ऑफिशियल पार्टनर्स ऑफ WhatsApp। अब इनके कुछ चार्जेस होते हैं, जैसे AiSense है, Twilio है, 360 Dialog है, ये कुछ चार्जेस लेते हैं मंथली बेसिस पे या कॉन्वर्जेशन बेसिस पे या मैसेज बेसिस पे, अपार्ट फ्रॉम द चार्जेस दैट यू हैव टू पे टू WhatsApp। ऑन दी अदर हैंड, WhatsApp Cloud API के लिए यू कैन डेवलप इट योर सेल्फ, मेटा के आप प्लेटफॉर्म पे जाओ और अप्लाई कर दो अपने आप से विदाउट एनी इंटरवेंशन, और यू कैन पार्टनर विद अ टेक पार्टनर जो WhatsApp का ऑफिशियल पार्टनर नहीं होता है, लेकिन दे प्रोवाइड WhatsApp Cloud API का सेटअप। दे विल प्रोबेबली चार्ज यू अ वन टाइम फी फॉर द सेम। प्राइसिंग। WhatsApp बिजनेस API और WhatsApp Cloud API दोनों के लिए WhatsApp ने कॉन्वर्जेशन बेस्ड प्राइसिंग मॉडल निकाल रखा है जो कि सेम है। तो जो भी आपको प्राइसिंग लगेगा WhatsApp को देने के लिए वो एग्जैक्टली सेम है और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस बस BSPs के एंड से पड़ जाता है कि WhatsApp बिजनेस API के लिए आपको BSPs के थ्रू जाना पड़ता है जो कि सेपरेट कॉस्ट चार्ज करते हैं। अब जैसे AiSense या Twilio है, ये चार्ज समवेयर अराउंड 999 या 1999 रुपीज पर मंथ। ऑन दी अदर हैंड, WhatsApp क्लाउड API के लिए आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप खुद अप्लाई करते हो तो एडिशनल कोई कॉस्ट आपको देना ही नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप टेक पार्टनर के थ्रू करते हो तो एक वन टाइम प्लेटफॉर्म चार्ज आपको देना पड़ेगा बस। So, इस मैट्रिक में WhatsApp Cloud API comes on top. तो अगर हम कंक्लूड करें तो फीचर वाइज दोनों सेम है, कॉस्ट वाइज WhatsApp Cloud API takes the edge क्योंकि BSP नहीं है, एंड झंझट वाइज कितना आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा, उसमें WhatsApp Business API is better क्योंकि आपकी BSP सब हैंडल कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है एंड यू आर एबल टू मेक अ डिसीजन कि हाँ आपको क्लाउड API लेना चाहिए या बिजनेस API लेना चाहिए, कंसिडर सब्सक्राइबिंग अवर चैनल, क्योंकि हम WhatsApp पे पूरी एक प्लेलिस्ट निकाल रहे हैं अबाउट प्राइसिंग, कैसे आप सेटअप कर सकते हो क्लाउड API एंड मच मोर। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप सेलिंग।